Good morning students. In previous class, we complete our first chapter of geography, the earth in our solar system. Today we start our second chapter named globe. What is a globe? I explain you about globe. Globe a man made model of Earth on a small scale. इज कॉल्ड ए ग्लोब कि मानव द्वारा बनाया हुआ पृथ्वी का एक छोटे स्केल के ऊपर छोटे पैमाने पे बनाया हुआ पृथ्वी का एक प्रतिरूप मॉडल का मतलब होता है प्रतिरूप उसको क्या कहते हैं ग्लोब टू कंटिन्यू माय क्लास आई शो यू ए डायग्राम ए फिगर ऑफ आवर अर्थ In this diagram, I divide my earth, uh, sorry, our earth, into some parts. First, I explain about zero degree latitude, which called equator. Twenty-three one upon two degree north, Tropic of Cancer, sixty-six one upon two degree north. आर्कटिक सर्किल 90 डिग्री नॉर्थ पोल ना 23 थ्री वन टू डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 66 सिक्स वन टू डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल एंड 90 डिग्री साउथ पोल जैसे कि हमारे इक्वेटर जीरो डिग्री होता है ऐसे ही अपना एक मेरिडियन लाइन भी है विच वी कॉल्ड ग्रीनविच लाइन इट शो अस द टाइम दे आर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजनरी लाइन्स इन आवर ग्लोब टू टाइप्स ऑफ इमेजनरी लाइन्स वन हॉरीजेंटल सेकेंड वर्टिकल हॉरीजेंटल लाइन्स दे आर कोल्ड लेटिट्यूड्स मीन्स जो हॉरीजेंटल लाइन्स होती है मतलब हॉरीजेंट मतलब लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई हम इस याद करने का तरीका इसको ये रख सकते हैं कि हॉरीजेंडल मतलब लैटिट्यूड और लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई और ये होती है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जैसे भी आप समझना चाहें वर्टिकल लाइंस जो खड़ी लाइन होती हैं लॉन्गी मतलब लंबा लॉन्गीट्यूड मतलब लंबा तो जो लंबी है खड़ी लाइन है उनको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन्स या लॉन्गीड्स और ये होती है नॉर्थ टू साउथ इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब इंटू टू इक्वल पार्ट्स फर्स्ट नॉर्थ हेमिस्फेयर ये है अपना नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड ये है अपना सेकेंड साउथ हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड तो फर्स्ट है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री वन पॉइंट टू डिग्री नॉर्थ इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन ट्वेंटी थ्री वन पॉइंट टू डिग्री साउथ मीन इन साउथ हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्किल सिक्सटी सिक्स वन पॉइंट टू डिग्री नॉर्थ इन नॉर्थ हेमिस्फियर अंटार्क्टिक सर्किल सिक्सटी सिक्स वन पॉइंट टू डिग्री इन साउथ हेमिस्फियर हीट जॉन्स ऑफ अर्थ हीट जॉन्स ऑफ अर्थ कि अपनी अर्थ को हमने थ्री हीट जोन्स में डिवाइड किया है फर्स्ट है अपनी टॉरेड जोन जो 23 थ्री वन अपॉइंट टू डिग्री नॉर्थ से 23 थ्री वन अपॉइंट टू डिग्री साउथ तक होती है दोनों ही हेमिस्फेयर में ये होती है 23 थ्री वन अपॉइंट टू डिग्री नॉर्थ से 23 थ्री वन अपॉइंट टू डिग्री साउथ तक इक्वेटर के नॉर्थ में भी और इक्वेटर के साउथ में भी फिर है अपनी टेम्परेट जोन 23 थ्री वन अपॉइंट टू डिग्री साउथ से 66 सिक्स वन अपॉइंट टू डिग्री साउथ और 23 थ्री वन अंट टू डिग्री नॉर्थ से 66 सिक्स वन अंट टू डिग्री नॉर्थ तक फिर होती है अपनी फ्रिज जोन जो 66 सिक्स वन ऑ टू डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक और 66 सिक्स वन ऑ टू डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक ये होती है अपनी हीट जोन अपनी अर्थ को थ्री हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है एक होती है टोरिड जोन ये इक्वेटर के पास होती है इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है टेम्परेट जोन ये सुहानी होती है और फ्रिज जोन मतलब सबसे जमी हुई आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वेरी वेल होमवर्क इज मेड ए पिक्चर ऑफ ग्लोब एंड दिस डायग्राम एंड हीट जोन्स ऑफ आर्थ डायग्राम थैंक यू